हर हर महादेव, भोले की फौज करेगी मौज। दोस्तों आज असी आए हैं पंचकूला, मनसा देवी मत्था टेकन आए थी, उस तो बाद असी आए हैं भोलेनाथ के मंदिर, स्केतरी मंदिर पंचकूला से तीन किलोमीटर दूर है जी। यह बहुत प्राचीन मंदिर है जी, पांडवों के टाइम का। बाकी पंडित जी सानू दसणगे, पंडित जी महत्ता दस्यो अपनी। दोनों शिवलिंग स्वयं हुए यहाँ पे। अच्छा, दोनों शिवलिंग ना स्वयं हुए, पांडवों के समय का है। अच्छा, पांडवों के समय का, ठीक है। नाग देवता की गुफा है यहाँ पे। अच्छा जी, पांडवों का लीन है जिसमें वो हुआ था ना यार। हाँ जी, अज्ञातवास हुआ था ना पांडवों को, ठीक है। यहाँ भी आए थे। अच्छा, यहाँ पे उनको भगवान ने दर्शन दिए थे। ये वाले शिवलिंग है जो चांदी के अंदर, ठीक है जी। और इसके खुद शंभू, ये शंभू इधर वाले मंदिर है। यहाँ दो मंदिर है शिव जी के, ठीक है जी। और कहीं नहीं है दो मंदिर शिव जी के, जो यहाँ दो मंदिर है। यहाँ दो शंभू है, ठीक है। पूरे भोलेनाथ खुद धरती तो प्रगट हुए हुए ने जी, बहुत महानता। और सोमवार काफी रश, संडे मंडे जब सावन में तो लाखों लोग, जब शिवरात्रि को लाखों आदमी। जिमें अरनाए मंदिर, हरनाए नलास मेला भरता अपने इतने भी संडे मंडे। हरियाणा के सारे मंत्री पहुंचते ने इतने, पूरा सरकार पहुंच रही है। हरियाणा के सारे मंत्री, MLA, मुख्यमंत्री सारे उरे आउंदे ने, सारे पहुंचदे ने। मनसा देवी 3 किलोमीटर दूर है, मनसा देवी माता तो 3 किलोमीटर दूर है जी। यह केतरी मंदिर दोस्तों, आप कुछ केतरी मंदिर के दर्शन कराए। हाँ जी, थोड़े दर्शन करवाने। हर हर महादेव, भोले की फौज करेगी मौज। दोस्तों प्राचीन मंदिर, तुसी भी दर्शन करो आके। पंचकूला से 3 किलोमीटर दूर स्केतरी मंदिर। यहाँ पर दो शिवलिंग है, इसे दो शिवलिंग है, दो शिवलिंग प्रकट हुए हुए ने। स्वयंभू पांडु के टाइम में, पांडु के टाइम दे पांडु आए थे, उनको यहाँ साक्षात दर्शन दिए थे जो पांडु आए थे। हर हर महादेव करो जी दर्शन, भोले की फौज करेगी मौज। हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव, ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। हजारों साल पुराना मंदिर है, प्राचीन शिव मंदिर, 5000 साल पुराना जी मंदिर आ। दर्शन करवाने जी थोड़े शिवलिंग इधर है गुफा। हर हर महादेव, लो जी हुण गुफा दे दर्शन करा रहे हैं तुहानू। ये गुफा है जी, हर हर महादेव। जय जय हनुमान कसाई, कृपा करो गुरुदेव। जय माता, जय माता, जय माता। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों तुसी भी जरूर आयो, हरनाए भी जाने आपां, नलास भी जाने, जिवें उत्थे भोलेनाथ प्रगट होए पए ने, इत्थे भी भोलेनाथ प्रगट होए पए ने। 5000 साल पुराना मंदिर है जी, जरूर आयो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोल। दोस्तों ये दूसरा शिवलिंग जो प्रकट हुआ है, ये ऑल इंडिया में स्केतरी मंदिर में दो शिवलिंग प्रकट हुए हैं। पंडित जी ने बताया ऑल इंडिया में कहीं नहीं दो शिवलिंग प्रकट हुए, जैसे अरुणाय मंदिर में एक शिवलिंग प्रकट है, धरती से प्रकट हुए हैं, नलास भी एक हुआ है, जहाँ दो प्रकट हुए हैं। आप भी आइए कभी दर्शन करने, हर हर महादेव। हाँ जी, साथ भोलेनाथ दर्शन होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। लो दोस्तों ये बाहर दुकाना ने प्रसाद दियाँ, एक गेट है जी अपना स्केतरी, स्केतरी मंदिर का गेट। हर हर महादेव,
आ देखो सामने नौ माता का मंदिर बनया वा। आ देखो नौ माता, हर हर जय माता दी, जय माता दी, नौ भैणा जी जय माता दी। लो जी सिया राम लक्ष्मण की जय, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों तुसी भी आयो, प्राचीन मंदिर 5000 साल पुराना, हर हर महादेव। दोस्तों सकेत्री मंदिर के अंदर देखो गौशाला बनी हुई है, राधे राधे। देखो बहुत बड़ी गौशाला है और 24 घंटे यहाँ लंगर भी चलता है। ये देखिए राधे राधे, ये देखिए जय गौ माता की जय। ये देखिए काफ़ी बड़ी है गौशाला, राधे राधे। कम से कम 100 गौ माता है यहाँ पे, गौधन है। राधे राधे जी सारे नू।